ये पुलाव हमारा 5 मिनट में बना है और देखिए कितना खिला खिला पुलाव हमारा बनकर तैयार हुआ है और एकदम एक एक दाना चावल का खिला हुआ है। तो इस तरह से आज हम पुलाव बनाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के लिए देखिए मैंने 1 गिलास के करीब चावल को आधा घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो इतनी अच्छे से तरह से देखिए मैं दिखाती हूँ पास से, इतनी अच्छे तरह से हमारे चावल फूल चुके हैं, भीग चुके हैं। तो यदि आप पुलाव इंस्टेंट पुलाव बना रहे हैं तो आप इन्हें आधा घंटे पहले भिगो के रख दीजिए, वो बहुत ही अच्छे पुलाव बनकर तैयार होगा। और बाकी देखिए मैंने मटर ली है, टमाटर मैंने 3 टमाटर चॉप कर लिए थे, 1 मैंने प्याज ली है, थोड़ी सी गाजर ली है। सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो चलिए अब हम गैस के पास चलेंगे और पुलाव बनाने की तैयारी करते हैं। गैस पर मैंने कुकर को रख दिया है, कुकर भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून या टेस्ट अनुसार देसी घी। आप यदि देसी घी में बना रहे हैं तो पुलाव में देसी घी का फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा, तो देसी घी का यूज़ ज़रूर करें। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गर्म मसाला ऐड करेंगे। गर्म मसाले में मैंने दालचीनी और तेज़पत्ता लिया है, आप चाहें तो इसमें लौंग भी ऐड कर सकते हैं। दो से तीन मैंने लौंग भी ऐड कर दी हैं। अब हम साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, जीरा भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और घी हमारा क्योंकि गर्म हो चुका है तो साथ के साथ हम इसमें जीरा भी हमारा भुन चुका है, प्याज भी हम इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भुनने देंगे। हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को हम भून लेंगे। देखिए प्याज भी हमारी भुन चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने टमाटर और हरी मिर्च को काट के रखा था उसे भी डाल देंगे। ये मैंने पहले ही काट के रख लिया था इसलिए टमाटर ने पानी छोड़ दिया है, अब हम इन्हें भी डाल देंगे। अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून या टेस्ट अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और हल्की सी हम डालेंगे लाल मिर्च घर की कुटी हुई। वैसे हमने हरी मिर्च डाल दी है पर हल्की सी लाल भी डालेंगे, इससे और हमारा चटपटा बनेगा पुलाव। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे इन्हें और साथ ही हम अपनी गाजर भी इसमें ऐड कर देंगे या जो सब्जियां आपने काट के रखी हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। फिर से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें साथ के साथ पानी भी ऐड कर देंगे ताकि पानी के साथ हमारी सब्जियां भी पक जाएं। पानी भी पक जाएगा हमारा और सब्जियां भी हमारी अच्छे से पक जाएंगी। पानी का मेजरमेंट ये है, आप जिस गिलास में आप चावल निकाल रहे हैं उसी गिलास से आप पानी ऐड करेंगे। और आपने यदि सब्जियां डाली हैं ज़्यादा हैं थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी ही बढ़ानी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी फिर भी नहीं हम बढ़ाएंगे क्योंकि सब्जियां ज़्यादा पानी नहीं सोखेंगी। देखिए पानी भी हमारा बॉयल हो चुका है, अब हम अपने चावल ऐड करेंगे इसमें और चावलों का सारा पानी मैंने निकाल दिया है, अब हम इसमें चावल भी ऐड कर देंगे और 1/2 गिलास पानी और हम चावलों में ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 विसिल लगाएंगे सिर्फ
क्योंकि चावल हमारे भीगे हुए थे पहले से ही। तो देखिए विसिल हमारे कुकर में आ चुकी है, अब हम इसे कुकर खोल कर देखते हैं। देखिए हमारा पुलाव बनकर बिल्कुल एकदम रेडी हो चुका है, और कितना खिला खिला पुलाव बना है ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हल्की से हम इसे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएंगे, अभी हम इसे नहीं छेड़ेंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इन्हें देखिए कितना अच्छे से हमारा पुलाव बनकर, एक एक चावल हमारा खिला खिला बना है। इस तरह से आप वेज पुलाव या मटर पुलाव बनाकर खा सकते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे और पुलाव को प्लेट में निकाल कर तैयार कर सकते हैं। आप इसे दही के साथ खा सकते हैं, आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं, आप इसमें घी डालकर खा सकते हैं, किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। और आप ऐसे ही खाएंगे तो भी ये पुलाव बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है, तो आप इस तरह से इस पुलाव को बनाकर खा रख सकते हैं। आई होप आपको मेरे वेज पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह की नई नई रेसिपी लेकर मैं आपके साथ आती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।